जब भी हम कोई लैंडफॉर्म देखते हैं अर्थ के सरफेस पे, तो वो लैंडफॉर्म हमेशा से ऐसा नहीं था, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वो इवोल्व होने के बाद इस कंडीशन में पहुंचा है जो हम उसे देख सकते हैं आज। ठीक है, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसका, किसने किया इवोल्यूशन? जियोमॉर्फिक एजेंट्स ने, एक्सोजेनिक फोर्सेस, वाटर, विंड, एक्सेट्रा। ठीक है, अब जब इवोल्यूशन होता है तो दो तरीके की चीजें होती हैं, पहला इरोजन, दूसरा डिपोजिशन। इसका मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, क्योंकि हम रनिंग वाटर पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए रनिंग वाटर इरोजन करेगा तो इरोजनल लैंडफॉर्म भी बनाएगा, जहां से उसने इरोड किया है वो भी लैंडफॉर्म का इरोजन होगा, प्लस इरोजन होने के बाद वो सेडिमेंट्स वो कहीं लेकर के जाएगा और वहां पे उनका डिपोजिशन करेगा, तो वहां पे भी एक अलग तरीका लैंडफॉर्म बनेगा डिपोजिशन की वजह से, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी बनेगा। तो कोई भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स जब एक्टिव होता है लैंडफॉर्म को इवॉल्व करने करने के लिए, तो वो दो तरीके के लैंडफॉर्म बनाता है, इरोजनल और डिपोजिशनल। क्योंकि हम अभी रनिंग वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास जो थी रनिंग वाटर के बारे में ही थी, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रनिंग वाटर जो लैंडफॉर्म्स बनाएगा, इरोजनल लैंडफॉर्म जितने भी लैंडफॉर्म्स बनाएगा उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इरोजनल और डिपोजिशनल। आज हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स में पढ़ने वाले हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहला लैंडफॉर्म जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो है हमारा वैलीज। सबसे पहले वैलीज बनती है। ठीक है, वैलीज के बारे में पढ़ा बताते हैं। ये हमारा चैप्टर चल रहा है सेवन्थ, लैंडफॉर्म्स अंडर इवोल्यूशन। ठीक है, रनिंग वाटर में इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में भी कौन सा, वैली। ठीक है, मेरा नाम अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेस में। चलिए स्टार्ट करते हैं वैलीज के बारे में क्या बोल रहे हैं। वैली स्टार्ट एज ए स्मॉल एंड नैरो रिल्स, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले कि वैली जो होती है स्टार्टिंग में क्या होता है, ये एरिया है, ये अपलैंड है। ठीक है, यहां पे पानी गिरेगा, यहां पे पानी गिरेगा या कहीं और भी पानी गिरेगा, तो वो एक ऐसी जगह आके इकट्ठा हो जाएगा जहां पे जो जगह नीची है, और वहां से फिर वो नीचे और नीचे वाले ढलान की तरफ बहना स्टार्ट कर देगा। ये बात तो हमें समझ आ चुकी है। ठीक है, जब वो बहेगा तो पहले वो बहुत छोटी सी धारा होगी, बहुत छोटा सा, ऐसा लगेगा कि जमीन पे किसी ने लकीर खींच दी, थोड़ी चौड़ी, बिल्कुल लकीर तो नहीं बट बहुत मामूली सा वो नाली होती है, दिखती भी नहीं है, हम बहुत ध्यान से देखेंगे तब नोटिस कर पाती है, उनको हम रिल्स बोलते हैं। पहले मैं बता चुका हूं आपको, वो रिल्स जब थोड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, गहरी हो जाती हैं, तो वो गलीज, जो वो बड़ी नालियां बन जाती हैं, उन बड़ी नालियों को हम, उन स्ट्रक्चर्स को हम गलीज बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब पहले रिल्स बनती हैं, रिल्स बड़ी होने के बाद, क्योंकि पानी तो हर साल आ रहा है ना, पानी तो गिरेगा हर साल, ऐसा तो नहीं है बारिश नहीं आएगी, बारिश तो हर साल अपने पैटर्न, जो भी पैटर्न है उस जगह पे होती रहेगी, और क्योंकि रनिंग वाटर जो इफेक्टिव होता है वो वेट एरियाज में होता है, इसका मतलब यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है। ठीक है, गलीज बनेगी। अब गलीज बनने के बाद भी फिर दोबारा पानी पड़ रहा है, फिर वही सब हो रहा है, बारिश आ रही है, पानी फ्लो हो रहा है, इरोज कर रहा है साइड में भी नीचे भी, पानी जब बहेगा तो इरोड को करेगा ना, अगर उसकी स्पीड तेज होगी तो डाउनवर्ड ज्यादा इरोजन करेगा, साइड में कम करेगा, अगर उसकी स्पीड कम होगी तो डाउनवर्ड कम करेगा, साइड में ज्यादा करेगा। ठीक है, करेगा दोनों जगह, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन करेगा, तो फिर वो और ज्यादा, फिर दोबारा गलीज बनने के बाद भी ये सब प्रोसेस होगा, स्लोप अभी है अच्छा खासा, तो फिर वो वैलीज में डेवलप हो जाती है गलीज धीरे धीरे। ठीक है, ये मैं पहले बता पढ़ा चुका हूँ, एक बार फिर से बता दी, कोई बात नहीं, वही ये हमारा एनसीईआरटी पहली लाइन में बोल रहा है, वैलीज स्टार्ट एज स्मॉल एंड नैरो रिल्स। वैलीज कैसे स्टार्ट होती है, सबसे पहले रिल्स बनती है। ठीक है, उसके बाद द रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू लॉन्ग एंड वाइड गलीज। रिल्स की विड्थ तो कम होती ही है, उनकी गहराई भी कम होती है, लेकिन उनकी उनकी लेंथ भी कम होती है। जैसे कि मान लीजिए छोटी छोटी चार पांच, एक यहां से पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ का पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ का यहाँ इकट्ठा हो गया, यहाँ का यहाँ इकट्ठा हो गया, अब थोड़े टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, आगे ये भी आगे बढ़ती रहेगी, तो ये सब मिल जाएंगी और ये एक गली बना देगी। ठीक है, तो रिल्स जो होती है उनकी लेंथ भी छोटी थी, गलीज की लेंथ भी ज्यादा होती है, फिर वो गलीज और ज्यादा बड़ी होंगी उनकी, द गलीज विल फर्दर डीपन वाइडन एंड लेंथन। गलीज जो होंगी फिर वो आगे वो गहरी भी होंगी, चौड़ी भी होंगी, और उनकी लंबाई भी बढ़ेगी, फिर वो लंबी भी उनकी ज्यादा हो जाएगी। अब लंबे दूर तक पानी जा रहा है, पहले थोड़े दूर तक जा रहा था, ठीक है, मतलब यहां से यहां चला, यहीं इकट्ठा हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, तो ये आगे का एरिया भी रोड होता रहेगा, तो आगे लंबी होती रहेंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर वैलीज में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, लेंथन एंड गिव राइज टू वैलीज, और फिर हमारी वैलीज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अब क्योंकि वैलीज बन रही हैं, तो देखिए इरोजन हो रहा है, हर जगह एक जैसा इरोजन तो नहीं हो सकता, कहीं पे इरोजन ऐसा होगा,
कहीं पे जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, तो इरोजन भी अलग अलग तरीके से होगा। उसी तरीके से पानी के चढ़ने और उतरने का बहाव भी अलग होगा। पानी जब गिरता है उसका तरीका भी अलग होगा। कहीं पे बारिश पूरे साल होती है, सुबह हर दोपहर को बारिश होती है, कहीं पे साल में 3-4 महीने बारिश होती है, फिर 8-9 महीने खाली सूखा पड़ रहता है। तो हर जगह एक जैसे लैंडफॉर्म तो डेवलप नहीं हो सकते ना, ये बात तो समझनी पड़ेगी आपको, है ना। तो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, वो या तो वी शेप्ड वैली बनेगी, गोर्ज बनेंगे, कैनियन बनेंगे। यहाँ पे जो एनसीईआरटी बता रहा है, क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द डायमेंशंस एंड शेप, लैंडफॉर्म के डायमेंशंस क्या है, उसकी शेप कैसी है जो लैंडफॉर्म बना है, ठीक है। मैं टाइप ऑफ वैलीज लाइक वी शेप वैली, गोर्ज, कैनियन एक्सेट्रा कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ, ठीक है, डायमेंशन, लैंडफॉर्म के डायमेंशन क्या है और उसके साइजेस क्या है, इसके बेस पे कई तरीके के लैंडफॉर्म जो है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इरोजनल वैलीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी, हमने मेन वी शेप्ड वैली, गॉर्ज और कैनियन। मोटा मोटा मैं आपको वो बता देता हूँ, वी शेप्ड वैली मतलब ये हमारी वैली है, इस एरिया का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, इस एरिया का सारा पानी यहाँ इकट्ठा होता है, ये बहती रहती नदी, ये वी शेप्ड वैली है। मतलब इसका नीचे से ये नैरो है, ऊपर ये ब्रॉड हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो वैली और बनाएगी, नीचे जब काटेगी इसी शेप में काटेगी, नीचे भी नीचे और जरा संकरी होती चली जाएगी, क्योंकि ये इसके नीचे डाउनवर्ड ड्रिफ्ट, डाउनवर्ड इरोजन ज्यादा होगा, तो नीचे ज्यादा काटेगी, साइड में कम काटेगी कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसको हम वी शेप वैली बोलते हैं, इसको तो पता ही होगा आपको, नाम से पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है गोर्ज। गोर्ज में क्या होता है, जो कि गंगा बनाती है, गंगा नीर, इधर पहाड़ की दीवार है, इधर दीवार है, बीच में पानी बह रहा है, बीच हमारा पानी बह रहा है। कहने का मतलब जो साइड्स थी वॉल, जो पहाड़ों की जो साइड्स हैं वो ऐसे टेपर में नहीं है, वो या तो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है या स्टीप स्लोप है, बहुत ही मामूली सा स्लोप, इस तरीके से बहुत मामूली सा स्लोप है, जो पता नहीं चलता देखने में, देखने में सीधी खड़ी दिखती है, ठीक है, बहुत मामूली सा स्लोप है, इनको हम बोलते हैं गोर्ज, ठीक है। ये हमारा गोर्ज हो गया, समझ आ गया कि वैली में बह रही है, वैली के दोनों तरफ जो ऊंचा हिस्सा है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टीप है, सीधा खड़ा हुआ है, तो उसको हम गोर्ज बोलेंगे। सिर्फ नाम है, उसके स्ट्रक्चर डायमेंशन के बेसिस पर नाम रख दिया और कुछ नहीं। अगर ऐसे है तो वी शेप वैली बोलेंगे, अगर ऐसे है बीच में पानी बह रहा है तो उसको गोर्ज बोलेंगे, बस इतना फर्क है। अब एक तीसरा हमारा आता है कैनियन। कैनियन क्या होता है, सिंपल यही है, गोर्ज जैसा ही होता है, लेकिन वो स्टेप लाइक होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से स्टेप लाइक होता है। यहां पे ये वैली है, यहां पे पानी बह रहा है, इसकी रिवर है, रिवर बह रही है, पानी बह रहा है, स्ट्रीम बह रहा है, उसके साइड्स की जो दीवार है वो स्टेप लाइक में, ऊपर से चौड़ा होता है, नीचे से नीरा, नीचे से संकरा होता है, वी शेप नहीं होता लेकिन स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये हमारी इनकॉम क्या बोलेंगे, इनकॉम बोलते हैं कैनियंस। आगे देखते हैं क्या बोलता है। ए गोर्ज इज डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स। एक गोर्ज जो होती है वो डीप वैली होती है, ठीक है, पता ही है, लेकिन उसकी जो साइड्स होती हैं वो या तो स्ट्रेट होती हैं या स्टीप स्लोप होता है उनका, मतलब तिरछी स्लोप होता है लेकिन इतना होता है कि दिखता नहीं है, बहुत स्टीप स्लोप होता है, ठीक है, मान के चलिए स्ट्रेट ही होती हैं अभी समझने के लिए। एंड ए कैनियन इज कैरेक्टराइज बाय स्टीप स्टेप। अब कैनियन में क्या है, कैनियन में स्टीप स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेप लाइक साइड स्लोप्स, सीढ़ियों जैसा साइड के स्लोप्स होते हैं, एंड मे बी एज डीप ए गोर्ज, और वो उतने ही गहरे हो सकते हैं जितने की गोर्ज होती है, ठीक है। बता दिया मैंने, सीढ़ी की तरह इसकी दीवार होती है, स्टीप स्लोप्स होते हैं लेकिन सीढ़ी की तरह, ठीक है। चलिए अब गोर्ज और कैनियंस के बारे में एक दो बातें और बता रहा है, वो और पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है और देख लेते हैं। A gorge is almost equal in width at its top as well as at its bottom. हमें पता है गोर्ज ऊपर से नीचे तक बराबर होती है। ये देखिए, एक गोर्ज है, नीचे पानी बह रहा है, यहाँ की
दूरी और नीचे जहां पानी है तल में वहां की दूरी बिल्कुल बराबर होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है, लगभग लगभग कोई खास फर्क नहीं होता, ठीक है। लेकिन कैनियन में उल्टा होता है, इन कंट्रास्ट ए कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप, कैनियन जो है वो ऊपर वाइडर होती है देन एट इट्स बॉटम, बॉटम पे चौड़ी होती है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से होती है, सीढ़ी लाइक होती है, समझे। ये यहां पे पानी बहेगा, यहां पे पानी बह रहा है, कैनियन जो होती है ऊपर से ब्रॉडर है, नीचे से नैरो है, गोर्ज जो थी सीधी सीधी थी, नीचे पानी बह रहा है, ठीक है, समझ आ गया यहां पे। चलिए, इनफैक्ट ए कैनियन इज ए वैरायटी ऑफ गोर्ज, कैनियन भी वैरायटी ऑफ गोर्ज ही है, एक गोर्ज ही होती है एक्चुअली, लेकिन लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है रॉक का वो इस तरीके का होता है कि वो सीधे सीधे दीवार नहीं बन पाती, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट कैनियन इज ए वैरायटी ऑफ गोर्ज, वैली टाइप्स डिपेंड अपॉन द टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, क्या बोल रहा है कि वैली कौन सी बनेगी, गोर्ज बनेगी, वी शेप बनेगी या कैनियन बनेगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे, कि जो रॉक है जिसका इरोजन हो रहा है वो कौन से टाइप का, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, समझ गए। आगे बताता हूं, इन विच दे फॉर्म, जिसमें कि वो बने हैं, क्या बनी, वैली बनी है, वैली जिस रॉक के ऊपर बनी है, जिस रॉक के कटने से वैली बनी है, उस रॉक का टाइप और स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वैली किस टाइप की बनेगी, समझ आएगी, विशेप बनेगी या कैनियन बनेगी या गॉर्ज बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कैनियन कॉमनली फॉर्म इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स एंड गॉर्ज इन हार्ड रॉक्स, कैनियन जो है वो हॉरिजॉन्टली बेडेड, ऐसे हॉरिजॉन्टली जो लगे होते बिछे होते हैं, क्या होते, कौन से, सेडिमेंटरी रॉक्स, मतलब सेडिमेंट्स के जमा होने से, मतलब वो रॉक जो है वो हार्ड नहीं है, सॉफ्ट एंड कंपैरेटिवली, और जो गॉर्ज है वो हार्ड रॉक्स में बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ट्रेलर दे देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है कैनियन का बनना, वो हम आगे जीएस में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, ये हमारी वैली स्टार्टिंग वी शेप होती है, ठीक है, यहां पे काटेगी इसको, थोड़ा सा लेटरल इरोजन होगा, जब लेटरल इरोजन होता है तो ये हिस्सा गिर जाता है, ये हिस्सा गिर जाता है नीचे, इधर से ये हिस्सा नीचे गिर जाएगा, तो वॉल जो है स्टीप खड़ी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, गोर्ज फॉर्मेशन का एक तरीका और भी है, क्या होता है, हिमालयन जो गोर्ज है हमारे कैसे बनी है हिमालय में, कि ये जो हमारी नदियां जो हिमालय से आती हैं, वो नदियां एक्चुअली हिमालय के बनने के पहले से हैं, ये मैं आपको जीएस के टाइम पे बताऊंगा। तो क्या होता है, हिमालय जैसे जैसे उठते रहते थे ऊपर, वो नदी अपनी जगह रहती थी, यहां पर हिमालय की हाइट ऊपर जा रही है, वो नदी अपनी जगह है, लेकिन साइड का, साइड वाला जो हिस्सा वो काटती जा रही है, साइड वाला हिस्सा जो काटती जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि नदी तो अपनी जगह पे रहती है, पहाड़ी की हाइट बढ़ती रहती है, तो नदी का जो पहाड़ों का नीचा हिस्सा वो नदी काटती रहती है, तो एक दीवार जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये पहाड़ों की हाइट बढ़ रही है ऊपर, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नदी अपनी जगह पे ही है, नदी अपनी जगह पे है, पहाड़ों की हाइट बढ़ती जा रही है, इस तरीके से पहले यहां थी, पहाड़ बढ़ रहे हैं, सेडिमेंटेशन ऊपर हो रहा है, लेकिन नदी जो है जितना बढ़ता है, जिस जगह पे नदी बह रही है उतना वो काट देती है, तो वो स्टीप लाइक एक स्टीप दीवार जैसी बनती चली जाती है, ठीक है, ये गोर्ज का है। कैनियन में क्या होता है, कैनियन में हॉरिजॉन्टली बेडेड होता है, मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, यहां पे नदी बह रही है, ये सेडिमेंटरी रॉक्स है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, समझिए। अब क्या होगा, नदी नीचे ज्यादा लैटरल इरोजन थोड़ा बहुत करती है, लेकिन क्योंकि सेडिमेंटरी रॉक्स है तो नदी चौड़ी भी हो रही है, चौड़ी भी हो गई, ठीक है, यहां हो गई, समझ आ गए। लेकिन क्योंकि बहाव बहुत तेज है, अभी स्लोप बहुत ज्यादा है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये नीचे भी काट रही है, यहां तो चौड़ा हुआ लेकिन नदी की गहराई भी हो गई, तो अब जो नदी है वो यहां आ गई, यहां पे, यहां पे नहीं आई, अभी नदी यहीं पे अपने बेस पे ही नीचे काट रही है,
लेकिन यहाँ पे लैटरल इरोजन भी होगा, लेकिन पहली बार से थोड़ा कम होगा। तो अब नदी यहां तक आ जाएगी, इसका जो वैली इस तरीके से आ जाएगी, फिर क्योंकि नदी साथ साथ नीचे भी काटती जा रही है तो नदी अब यहां आ जाएगी और लैटरल इरोजन होगा तो एक स्टेप और बन जाएगा। इस तरीके से स्टेप फॉर्म होता रहता है। इस स्टेप फॉर्म होने का रीजन क्या है कि जनरली लैटरल इरोजन कम होता है, डाउनवर्ड इरोजन ज्यादा होता है जब नदी की स्पीड ज्यादा होती है, पानी की स्पीड ज्यादा होती है, रनिंग वाटर की स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन कुछ एरियाज में जहां पे की सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंटरी रॉक्स हैं, वहां पे क्या होता है कि लैटरल इरोजन भी ज्यादा होता रहता है। लैटरल इरोजन इतने एरिया में हुआ, ठीक है, तो ऊपर नदी चौड़ी भी हो गई, लेकिन साथ साथ नीचे की उससे ज्यादा तेजी से नीचे भी जा रही नदी, तो एक स्टेप बन गया, फिर दूसरा नदी नीचे वाले लेवल पे पहुंच गई, फिर वहां पे एक दूसरा स्टेप बनेगा, फिर नदी उसके नीचे वाले लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अभी अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो जरा टेंशन वाली बात नहीं है, जब मैं जीएस पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से डायग्राम बना करके अच्छे से सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन वाली जरा बात नहीं है। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि टाइप ऑफ एंडिस्ट्रक्टर वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है वैली कैसी बनेगी, वीशेप बनेगी या कैनियन बनेगी या गॉर्ज बनेगी, बस इतना याद रखना है एनसीईआरटी के टाइम पे। जब जीएस पढ़ेंगे तो सब अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास हम अभी यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लैंडफॉर्म के बारे में अभी इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो आपको समझ में आया हो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी आप क्या बोलते हैं लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिएगा। थैंक यू।